सेनेट इजलास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तहफ्फुज फ्राहम करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल मंजूर कर लिया गया। बिल को मंजूर करने का मकसद रिक्वायर्ड को के इन्वेस्टेटर को तहफ्फुज फ्राहम करना। रिक्वायर्ड का मंसूबा कई सालों से जेरे इल्तवा था। पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना था जो कि अब तय पा चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही रिक्वायर्ड मंसूबे को कानून के मुताबिक करार दे चुके। इमरान नियाजी ने अपने ही दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की माशियत को तबाह कर दिया, ये कहने वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। इसहाक डार का कहना था कि माशी मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। इमरान नियाजी ने पाकिस्तानियों को बतौर करप्ट कौम साबित करने की कोशिश की। और एक ही दिन में सोने की ऊंची उड़ान, डॉलर को भी पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सोने और चांदी के हर रोज नए रिकॉर्ड बनने लगे। डॉलर की शदीद किल्लत ने सोने और चांदी की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज एक तोला सोना 2350 रुपये महंगा हो गया। मुल्क की तारीखी में पहली बार एक तोला सोना 1,59,650 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जड़ामाला के मरूफ ताजर सैयद हैदर अली शाह के बेटे डॉक्टर सैयद अवैस हैदर शाह की दावत वलीमा में मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर सैयद अवैस शाह ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उधर बदीन के शहर तहलीर में आज तहलीर गांव के करीब गांव जमाली फर्दू में खौफनाक हादसा। नामालूम तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार हो गई, जिसके नतीजे में दो अफराद 20 साल आसफ भट और 6 साल लियाकत भट वफात पा गए। फौतगीन को फौरी तौर पर तहलीर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद सईद हरकते कल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक